अगर हेल्दी खाने को चाहे जी तो पहले घर में बनाइए देसी घी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। देसी घी बच्चों बड़ों में दोनों के लिए ही फायदेमंद है। अगर देसी घी घर का निकला हुआ हो तो क्या ही बात है। मैं आज आपको घर की बची हुई बलाई से देसी घी बनाना सिखाऊंगी। हमने जो ये बलाई स्टोर की थी ये हमने पहले ही निकाल के रख दी थी फ्रीज़र से। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और इस तरह ये मेल्ट हो चुकी है। और अगर आप ये नए तरीके से घी बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बनता है। इससे ना कोई मशीन ख़राब होगी ना ही आपके हाथ। जितना हमारे पास भलाई थी उसका आधा हिस्सा हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आप जो भलाई है इस तरह किसी भी कंटेनर के अंदर रोज़ स्टोर कर सकते हैं। अब हमने ये स्लो फ्लेम के ऊपर भलाई को रख दिया है और इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इतना पकाना है कि हमारा घी ऊपर आ जाए और पानी नीचे रह जाए। हमें इसमें बॉयल नहीं लेकर आना है, सिर्फ इसको तेज़ गर्म करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा घी ऊपर आना शुरू हो गया है। अगर आपके दूध पे बलाई नहीं आती है तो आप दूध बॉयल करके 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर उसको पकाएं और बिना यूज़ किए एज इट इज़ ऐसे फ्रिज में रख दें। जब आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो आपके दूध के ऊपर बलाई सतह पे ऐसे बलाई जमा हो चुकी होगी, तो आप उसे चम्मच से उतार के कंटेनर में सेव कर सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से घी बनाएंगे तो ये घी आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें ना कोई स्मेल होती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हल्का सा ठंडा करेंगे और किसी भी छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। इससे क्या होगा, घी ऊपर आ जाएगा और जो हमारा इसका पानी होगा वो नीचे रह जाएगा और बाकी जो छन्नी के ऊपर भलाई आएगी उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसको स्टोर कर रहे थे जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता। अब हम इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा जो घी है वो ऊपर जम जाए और पानी उससे अलग हो जाए। इसको हमने तकरीबन सुबह 10 बजे फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन रात के 10:30 बजे तक हमने इसे निकाल लिया है और हमारा घी जो है वो ऐसे जम चुका है। घी हमारा इस तरह जमा हुआ होना चाहिए ताकि आपको इसे छुरे से काटने में आसानी हो और घी पानी में शामिल ना हो। अगर पानी में थोड़ा बहुत घी चला भी जाए तो आप उसको बाद में किसी छन्नी की मदद से निकाल सकते हैं। अभी हमें घी के अंदर जो पानी है इसे खुश्क करना है क्योंकि घी में ज़रा भी पानी होगा तो घी ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब स्लो फ्लेम पे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक घी को पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सा हमारा खूबसूरत सा घी जो है वो तैयार हो रहा है। और दूसरी खासियत ये खोया है, या बच्चों को दूध चीनी में या किसी भी मीठे में मिलाकर दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये। अब हमने अपने घी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। ये खोया लाइट की वजह से डार्क ब्राउन लग रहा है, वरना ये लाइट ब्राउन बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार खोया होता है ये और बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार और खुशबूदार असली घी हमारा तैयार है और उसके साथ ही घी, मतलब हमने एक भलाई से 2 चीज़ें हमने हासिल कर ली हैं जो कि घी और खोया है। आप देख सकते हैं घी का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, इससे ये होगा मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेरे इस वीडियो को अपने प्यार के साथ शेयर कीजिए और इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।